आज कामनी क्रिएशन में मैंने बनाया है एकदम स्पेशल नाश्ता, जो बच्चे तो भाग कर दौड़ते हुए आएंगे खाने के लिए, और आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा, आपके मेहमान को भी बहुत पसंद आएगा। तो ये नाश्ता है आलू मुठिया, जो आज मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे बनता है। तो चलिए फिर इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ कद्दूकस किए हुए आलू लिए हैं, और ये मैंने कद्दूकस करने के बाद इसको अच्छे से साफ कर लिया है, और अब इसको छन्नी में छानकर इसके पानी को एकदम से निकाल लेंगे। अब इस ग्रेट किए हुए आलू को निकाल लेंगे। और अब इस बोल में इस आलू को हम हाथ से दबा दबा कर इसको प्रेस करके इसका पानी निकाल कर इस तरीके से हम बोल में ले लेंगे। तो जब आप आलू को छानिएगा पानी से, उसके बाद हाथों से प्रेस करके और पानी निकाल कर दूसरे बर्तन में आप रख लीजिए। अब देखिए, आलू से मैंने पानी एकदम से निकाल दिया है, और इसमें अब कुछ इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। आधी कटोरी इसमें डालेंगे बेसन, 2 चम्मच इसमें डालेंगे चावल का आटा, 2 हरी मिर्च, 1/2 स्पून जीरा, 1/2 स्पून स्वाद अनुसार, और फिर इसमें डालेंगे हम 1/2 कटोरी दही। इन सबको हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करते समय अगर आपको लगता है कि ये बहुत गाढ़ा है, ठीक है, तो आप इसमें थोड़ी सी दही डाल लीजिए, और आपको लगता है कि ये पतला है तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन या चावल का आटा आप डाल सकते हैं। लेकिन इसमें मैंने जो क्वांटिटी ली है ये एकदम परफेक्ट है, अभी तो ये ना गाढ़ा है ना पतला है, एकदम बढ़िया ये बनकर इसका डो रेडी हुआ है। सब चीज़ों को अच्छे से देखिए मिक्स कर दिया है, और एकदम सही ये बना है डो इसका। अब इसमें चावल का आटा भी है, तो अब इसको 15 मिनट के लिए हम फूलने के लिए रख देंगे। अगर अभी बनाते समय आपका डो अगर थोड़ा गीला भी है ना, तो कोई टेंशन की बात नहीं, आप 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे ना, तो चावल का आटा भी पानी को सोक करता है। तो अभी इसको 15 मिनट के लिए कवर कर देते हैं। 15 मिनट बाद चेक कर लेते हैं, हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं। और इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे बेकिंग सोडा, यहाँ छोटा चम्मच मैंने लिया है, छोटा 1 चम्मच लिया है बेकिंग सोडा, और पानी को बॉयल होने के लिए पहले रख देते हैं। सोडा को इसमें हम मिला लेते हैं। अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो आप 1 छोटा चम्मच इनो भी मिक्स कर सकते हैं।
सोडा मिला देने से या इनो इसमें मिला देने से ना ये स्टीम बहुत अच्छे से होगा। तो इसको ज़्यादा मिक्स तो करना नहीं है। और यहाँ पर मैंने जाली में ऑयल को ग्रीस कर लिया था, ग्रीस किया हुआ है। तो इसमें हम इस तरीके से इसको रख देंगे। अब देखिए पानी बॉयल हो रहा है और इस प्लेट को हम इसके ऊपर रख देंगे और हाई फ्लेम पर 15 मिनट तक के लिए हम इसे स्टीम करेंगे हाई फ्लेम पर। 15 मिनट बाद देखते हैं। देखिए नाइफ एकदम क्लीन है, तो इसको फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं और ठंडा होने के बाद ही इसको हम निकालेंगे, नहीं तो ये ख़राब हो जाएंगे। तो जाली को हटा देते हैं और इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। बस ऐसा रखिए कि कोई भी एक दूसरे से चिपके नहीं, वरना जब आप निकालेंगे तब प्रॉब्लम होगी। और इसमें थोड़ा सा ऊपर से चिली फ्लेक्स को हम स्प्रेड कर सकते हैं। प्लेट को इस पर रख देते हैं और इसको ढक देते हैं 15 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर। 15 मिनट बाद ये भी बहुत अच्छे से स्टीम हो चुका है। फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको हटा देते हैं। अभी जब ये ठंडा हो जाएगा तभी इसको हम निकालेंगे। ये एकदम ठंडा हो चुका है और एकदम ठंडा होने पर ही आप इसे निकालिएगा, नहीं तो ये टूट जाएंगे। और इसको धीरे धीरे नीचे से बहुत स्मूथली आराम से इसको हर जगह से नाइफ या स्पून का बैक साइड, देखिए जैसे मैं बैक साइड से निकाल रही हूँ क्योंकि नाइफ आगे से पॉइंटेड है तो प्रॉब्लम कर रही है, तो पीछे से निकाल रहे हैं स्पून के। तो देखिए कितने बढ़िया से ये निकल आया है। इसी तरीके से सभी को निकाल लेंगे। अब निकालने के बाद इसको आप किसी भी शेप में आप कट कर लीजिए, किसी भी शेप में जो आपको पसंद हो। ये देखिए मैंने थोड़ा लंबा चौड़ा कट किया है, कुछ छोटे पीस भी कट करूँगी, तो इसी तरीके से आप कट कर लीजिएगा। इन सभी को कट कर लिया है और आप अगर चाहें तो इसे बनाकर रख सकते हैं और जब आपको खाना हो या आपके घर गेस्ट आ रहे हैं तब आप इसको बनाकर स्टीम करके आप रख लीजिए। गेस्ट के आने के बाद आप इसे फ्राई करिएगा। तो चलिए फिर इसे फ्राई करते हैं। यहाँ पर ऑयल ले लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, आप 2 स्पून लीजिए बस। देखिए ऑयल गर्म हो गया है और यहाँ पर सबसे पहले हम डालेंगे 1/2 स्पून राई, काली राई, और इसको थोड़ा चिटकने देते हैं। और इसमें डालेंगे 1 चम्मच सफ़ेद तिल, करी पत्ता और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च।
पैन में चारों तरफ इसे फैला देंगे, स्प्रेड कर देंगे। और अब इन पीसेस को लो फ्लेम पर आराम से फ्राई होने दीजिए। एक पीस देखिए मैंने बड़ा रखा है, बताऊंगी क्यों। तो पैन में जितनी जगह हो उतना आप रखिए और इसको आराम से फ्राई होने दीजिए। थोड़ी थोड़ी देर में इसको पलट दीजिए। और इसी प्रोसेस में हमारे जो बचे हुए हैं ना उनको भी हम फ्राई कर लेंगे। तो देखने में एकदम यम्मी लग रहा है ना। और आपको पता है ये 2 चम्मच ऑयल में बनने वाला ब्रेकफास्ट है, नाश्ता है। अब इससे कम ऑयल में कौन सा ब्रेकफास्ट बनेगा? वो बनेगा सिर्फ और सिर्फ आलू मुठिया। अब इनको हम निकाल लेंगे। देखिए आगे से पीछे से कितने अच्छे से ये फ्राई हो चुके हैं। अब देखिए अगर आपके पास घर पर पाव है या ब्रेड है स्लाइस वाली, तो यहाँ पे देखिए एक स्लाइस में मैंने लगा दिया है सॉस, एक स्लाइस में लगा दिया है मैंने एक तरफ चीज़। अब बच्चे चूँकि खाने में बहुत नखरे करते हैं तो हम क्या करेंगे, दोनों स्लाइस के बीच में ये फ्राई आलू मुठिया रख देंगे और इसके ऊपर ये रख देंगे और इसको हम चलते हैं बटर में सेक लेते हैं। अब यहाँ देखिए बटर आप लगा दीजिए और ब्रेड को अच्छे से सेक लेते हैं। ये ऊपर भी लगा देते हैं। अब जब ये बनेगा ना तो बच्चे कोई नखरे नहीं करेंगे, भागते हुए खाएंगे और ये हेल्दी भी ब्रेकफास्ट है। क्योंकि कभी कभी बच्चे कहते हैं ना मैं नहीं खाऊंगा मैं नहीं खाऊंगा, तो इसको खूब अच्छे से हम रेडी कर देंगे। तो इसको हल्का हल्का हम प्रेस करके दोनों तरफ से अच्छे से इसको सेक लेंगे। ये एक नई ट्रिक भी हो गई आलू मिठिया बच्चों को खिलाने के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारी आलू मुठिया बनकर रेडी है और आलू मुठिया पाव भी बनकर रेडी है। देख लीजिए कितने बढ़िया से बनकर रेडी है अंदर तक। और ये बच्चे भागते हुए खाएंगे, दौड़ते हुए आएंगे आलू मुठिया पाव खाने के लिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है आलू मुठिया बनाने की, तो आप इसे ज़रूर से बनाइए, खाइए, खिलाइए, गेस्ट को खिलाइए, बच्चों को खिलाइए। बच्चों को खिलाने का तरीका मैंने बता दिया है। और अगर आपको वास्तव में मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप चाहे तो बच्चों के टिफ़िन में भी ये दे सकते हैं, आप इसको स्टीम करके रख लीजिए और मॉर्निंग में इनको फ्राई करके उनके टिफ़िन में दे दीजिए अगर वो सिंपल पसंद करते हैं या पाव के साथ पसंद करते हैं। और आप इसको स्लाइस वाली ब्रेड में भी लगा के दे सकते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। ओके बाय।